नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल स्मार्ट काउंटिंग आरसनार पे। मैं हूं मोहन सुथार। दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है उन अकाउंटेंट भाई लोगों के लिए है जो मैनुअल अकाउंट्स का नॉलेज या फिर टैक्स कंप्लायंस का नॉलेज, जैसे कि GST है, TDS है, TCS का है, उसका नॉलेज प्रैक्टिकल तरीके से और प्रोफेशनल तरीके से रखते हैं, लेकिन उनकी भी इच्छा है भी हम भी ये जो हमारा मैनुअल अकाउंट्स का काम है उसको हम भी कंप्यूटराइज यानी कि टेली जैसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे करना स्टार्ट करें। तो उनके दिमाग में एक सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि आज तक हमने कंप्यूटर को टच तक नहीं किया, तो क्या हम भी टेली सॉफ्टवेयर पे अकाउंट्स का वर्क कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आज की इस वीडियो को आप एंड तक पूरा देख लेते हो तो मैं उम्मीद करता हूँ आप भी जो आपके दिमाग में इस टाइप के कन्फ्यूजन है भी कंप्यूटर पे काम किस तरीके से होता है, अगर हमने काम कर लिया तो हमारा कहीं डाटा उड़ तो नहीं जाएगा, तो वो सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। वीडियो को देखने के बाद आप जरूर, मैं श्योर के साथ ये बात कह सकता हूँ कि आप कंप्यूटर पे काम जो करना इजी तरीके से स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कमेंट मेरे पास आते हैं वो इसी बात से रिलेटेड आते हैं कि हमें अकाउंट्स का नॉलेज तो है लेकिन आज तक हमने किसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पर इसको यूज़ करके नहीं देखा। तो आप हमें सॉफ्टवेयर के बारे में बिल्कुल जीरो लेवल से यानी कि हमें कुछ भी नहीं पता, आप उस तरीके से आप हमें बात को समझाइए कि हमें टेली सॉफ्टवेयर को किस तरीके से ओपन करना है, ओपन करने के जस्ट बाद हमें क्या करना है, कंपनी क्रिएशन किस तरीके से करी जाती है, किस तरीके से हम हमारे जो टैक्सेशन से रिलेटेड जो ऑप्शन होते हैं जैसा कि GST है, TDS है, TCS है, उसके हमें क्वालिफिकेशन सेटिंग किस तरीके से करनी होती है, किस तरीके से हमें लेज़र क्रिएट करना है, किस तरीके से वाउचर हमें क्रिएट करने हैं, किस तरीके से हमें वाउचर एंट्री पास करनी है, सारी डिटेल आज आपको इस वीडियो में मैं सीक्वेंस वाइज प्रैक्टिकल तरीके से बताने वाला हूँ। क्योंकि काफ़ी सारे जो लोग हैं अकाउंट्स का काम टेली सॉफ्टवेयर में मेंटेन करना शुरू तो कर देते हैं लेकिन वो सिक्वेंस वाइज नहीं चलते, क्योंकि हमें कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं हर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में जो हमें कंपनी क्रिएट करने के जस्ट बाद करने ही होते हैं, अदरवाइज हम उसको बीच में वाउचर एंट्री पास करना स्टार्ट कर दिया, बीच में हमने कंपनी क्रिएट कर दी, कुछ कंपनी में हमने कोई डाटा मिसमैच कर दिया तो भी हमारा जो सारी रिपोर्टिंग है वो सारी बिगड़ जाती है। तो इस वीडियो में आपको मैं सारी वो प्रैक्टिकली जानकारी देने वाला हूँ भी हमें स्टेप टू स्टेप किस तरीके से चलना है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें और इसी टाइप की और वीडियो देखने के लिए साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर प्रेस कर लें, ताकि हमारा जो भी वीडियो हम इस चैनल पर अपलोड करें टेली सॉफ्टवेयर से रिलेटेड या फिर बिजी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसे तो आप जल्दी से दबा ही दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन जरूर देता है। तो शुरू करते हैं वीडियो को भी, बिल्कुल हम टेली सॉफ्टवेयर को जीरो लेवल से किस तरीके से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेली प्राइम सॉफ्टवेयर की। तो दोस्तों, अगर आपके पास पीसी या लैपटॉप है तो आपको टेली प्राइम सॉफ्टवेयर है जो डाउनलोड कर लेना है, अगर आपने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है तो उसको हम ओपन करेंगे। तो टेली प्राइम सॉफ्टवेयर का जो लोगो है कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देगा और इस पर हमें डबल क्लिक करना है, या आप डबल क्लिक कर सकते हो या इस पे माउस रख के हम राइट क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा ऊपर ऊपर ओपन, तो हम इसको ओपन पर क्लिक करेंगे। जैसे हम ओपन पर क्लिक करेंगे या एंटर प्रेस करेंगे या डबल क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ये टेली सॉफ्टवेयर ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ही हम फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो इस टाइप की ये विंडो हमारे सामने आती है टेली सॉफ्टवेयर की, जहाँ पे शुरुआत में लिस्ट ऑफ कंपनी के अंदर अगर हमारे पास ऑलरेडी कंपनी बनी होती है तो उसकी लिस्ट हमारे पास आ जाती है। और यहाँ से आपके पास अगर आप टेली सॉफ्टवेयर का लाइसेंस वर्जन यूज़ कर रहे हो तो यहाँ से आपको सिल्वर दिखाई देगा, गोल्ड दिखाई देगा, या फिर आप सीखने के पर्पज़ से आपने एजुकेशनल यानी कि ट्रायल वर्जन डाउनलोड किया है तो यहाँ पे आपको EDU लिखा हुआ दिखाई देगा, यानी कि आप एजुकेशनल मोड पर वर्क कर रहे हो, यानी कि आप टेली सॉफ्टवेयर को सीख रहे हो। अगर आपने लाइसेंस पेड वर्जन ले रखा है तो उसके दौरान आप अगर सिल्वर सिंगल यूज़र हैं तो आपको यहाँ पर सिल्वर दिखाई देगा, अगर आप मल्टी यूज़र का लाइसेंस लेते हो टेली सॉफ्टवेयर का तो यहाँ पर सिल्वर की जगह आपको गोल्ड दिखाई देगा। उसके बाद में लिस्ट ऑफ कंपनी के अंदर ये हमारी कंपनी की नाम, जिस कंपनी से हमने ऑलरेडी कंपनी क्रिएट कर रखी है, और उसके सामने उस कंपनी का जो एक पर्टिकुलर एक कोड है जो क्रिएट हो जाता है, ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है, हमें क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये कोड ही उस कंपनी की पहचान है। पहचान का मतलब मान लीजिए आपकी टेली सॉफ्टवेयर है और आपने एक ही नाम से आपने 5 से 7 10 कंपनी आपने क्रिएट कर ली, लेकिन कंपनी का नाम बिल्कुल सेम हो सकता है लेकिन उसके जो कोड होंगे आगे वो सभी के अलग अलग ही मिलेंगे,
आपको दो कोड बिल्कुल भी इक्वल बराबर यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे, और उसके सामने उस कंपनी का पीरियड भी, आप ये जो कंपनी है उसका पीरियड अभी कौन सा चल रहा है, यानी कि 1 अप्रैल 21 से लेकर 31 मार्च यानी कि 21-22 का पीरियड है जो सेशन इसका चल रहा है। जैसे इसके अंदर आप देख रहे हो इसके अंदर 20-21 का काम हुआ है, तो इसमें 1 अप्रैल 31 मार्च 21 यानी कि 20-21 का डाटा इसके अंदर वर्क हुआ हुआ है। तो अब हमें बात आती है भी कंपनी क्रिएट करनी है, ये तो था अगर ऑलरेडी क्रिएट की हुई तो उसका लिस्ट यहाँ पर आ जाएगा, और अब हम बात करते हैं भी कंपनी हमें बनानी कैसे, शुरुआत किस तरीके से करनी है। तो जैसे हम कंपनी टेली सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेंगे तो उसके बाद हमें फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर ही दिखाई देगा क्रिएट कंपनी का, यानी कि हमें कंपनी नई बनानी है। तो इसके लिए हम जाएंगे यहाँ पे क्रिएट कंपनी पे। तो जैसे हम कंपनी क्रिएट कंपनी पे क्लिक करेंगे तो ये कंपनी क्रिएशन की विंडो हमारे सामने ओपन हो जाएगी, और इस कंपनी के अंदर शुरुआत के अंदर जो ऑप्शन आपको दिखाई देगा वो आएगा कंपनी डेटा पाथ का। तो दोस्तों कंपनी डेटा पाथ का मतलब क्या हो गया, यानी कि जो कंपनी हम अब क्रिएट करने जा रहे हैं उस कंपनी में जो हम वर्किंग करेंगे, हमारी जो एंट्री हम पास करेंगे, परचेज सेल पेमेंट रिसिप्ट बैंक से रिलेटेड जो भी वाउचर एंट्री करेंगे, उसका सारा का सारा डाटा हमारा इस लोकेशन पर जाके सेव रहने वाला है। तो दोस्तों अब ये जो सेव का मतलब हो गया, अभी हमारे सिस्टम के अंदर एक सी ड्राइव है, उसके अंदर एक यूज़र का फोल्डर बना हुआ है, यूज़र के अंदर एक सब फोल्डर पब्लिक के नाम से, पब्लिक के अंदर भी एक सब फोल्डर टेली प्राइम के नाम से, और उसके अंदर डेटा के नाम से। तो ये जो सारा डाटा हमारा वहाँ पर सेव होएगा। तो अब हमें एक बात का विशेष ध्यान रखना है भी अगर हम किसी कंपनी की प्रोफेशनल अकाउंटिंग प्रैक्टिकल अकाउंटिंग अगर हम मेंटेन करते हैं तो हमें जो कंपनी का जो हमारा डाटा है वो कभी भी सी ड्राइव में नहीं रखना है। अब ये तो बाई डिफॉल्ट जैसा कि हमारी ये लर्निंग पर्पज़ से हम कराते हैं तो हमारा सी चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कि जब हम किसी भी दूसरी कंपनी के अगर प्रैक्टिकल अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं तो उसका डाटा हम सी में नहीं रखते। क्यों नहीं रखते, क्योंकि जो हमारे कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग जो सिस्टम होता है जिसे हम विंडो बोल देते हैं वो हमारा ज़्यादातर सी ड्राइव में ही होता है। अगर किसी कारणवश अगर हमारे जो ऑपरेट सिस्टम है जो क्रैश हो जाते हैं तो इसके साथ साथ हमारा डाटा भी लॉस हो जाएगा अगर वो हमारा सी ड्राइव के अंदर है तो। तो इसलिए हमें हमारे डाटा को सी ड्राइव से, कोई भी इसके अलावा आप डी ड्राइव ई ड्राइव जो आपके सिस्टम के अंदर अवेलेबल होता है उसके अंदर हम डाटा को रख सकते हैं, यानी कि सी ड्राइव में बिल्कुल भी नहीं रखेंगे। अगर मान लीजिए आपके सी ड्राइव बिल्कुल सेफ है और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम डी ड्राइव के अंदर है तो आपको डी ड्राइव के अंदर डाटा नहीं रखना है, यानी कि जिस विंडो के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो है आपकी, चाहे विंडो 7 विंडो 10 या विंडो XP कुछ भी है, तो आपको सी ड्राइव के अंदर उस डाटा के अंदर नहीं रखना, आपको उस ड्राइव के अंदर उस डाटा को। तो अब सबसे पहले तो हम इस डाटा का जो लोकेशन है वो चेंज कर देते हैं। अब इसके चेंज करने के लिए हम कीबोर्ड से बैकस्पेस का बटन दबाएंगे जो एंटर के बटन ऊपर होते हैं, तो जैसे हम दबाएंगे तो आपको दिखाई देगा भी आपका डाटा ये है और ये ऑलरेडी कंपनी आपकी वहाँ पर है। तो अब हमें यहाँ से सी का डाटा चेंज करना है, तो अगर हम यहाँ से मैनुअल भी चेंज कर सकते हैं या फिर आप इसके ऊपर जो स्पेसिफाई पाथ है इसके ऊपर हम जाएंगे। जैसे हम इस पर जाएंगे तो आपसे पूछेगा भी आप अपने डाटा का पाथ जो लिखो यहाँ पर सारा, तो इसके लिखने की बजाय हम क्या करेंगे जो हमारा यहाँ पर डाटा है इसी को ही हम चेंज कर देंगे। इसी को चेंज करने के लिए क्या हम क्या करेंगे, जो हमारा सी ड्राइव है सी ड्राइव को यहाँ से हम हटा के यहाँ पे रख देंगे डी ड्राइव। तो जैसे हम डी करेंगे तो आप देखो अभी जो हमारे को कोड यहाँ पर जो दिखाई दे रहे थे वो सारे इसने हटा दिए, कह रहा है भी आपका इस ड्राइव के अंदर अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर कोई भी डाटा अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ से इसने नील कर दिया। लेकिन हमें रखना डी के अंदर ही है तो हम इसको डी ड्राइव ही यहाँ पर स्पेसिफाई पाथ इसका देंगे। अगर आपको ये पाथ लगता है ये पाथ लॉन्ग है इसको हम शॉर्ट करना है तो इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन एंटर प्रेस करेंगे तो ये जो हमारा डेटा पाथ है अब ये कहेगा कि आपका इस लोकेशन पर जाके डाटा सेव होएगा। पहले जो सी ड्राइव में डाटा सेव हो रहा था अब उसका डुप्लीकेट डी ड्राइव के अंदर डाटा हमारा सेव रहेगा। एंटर प्रेस करेंगे आर यू श्योर, इसको यस कर देंगे। तो जैसे हम सेव करेंगे अभी आप देख रहे हो जो अभी हमें यहाँ पर जो सी दिखाई दे रहा अब वो डी ड्राइव हो गया है। और उसके बाद में कंपनी नेम, कंपनी नेम का मतलब हमारी जो कंपनी है जिस नाम से GST के अंदर रजिस्टर्ड है वो कंपनी का नाम हमें यहाँ पर देना है। तो हमें GST का जो हमारे पास सर्टिफिकेट होता है तो वो सर्टिफिकेट को देख के हम नाम यहाँ पर लिखेंगे, जैसा कि हम फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बना रहे हैं श्री बालाजी ट्रेडर्स। तो जैसे हमने इंटरप्रेस किया तो अब हमें
हमने तो नाम लिख दिया श्री बालाजी ट्रेडर्स, जो हमने हमारी बिल बुक है उसको अकॉर्डिंग देख के, लेकिन मान लीजिए आपकी जो GST सर्टिफिकेट है वहाँ पर आपका जो रजिस्ट्रेशन हुआ वो SHREE यानी कि SHREE बालाजी ट्रेडर्स के नाम से है, तो हमें SHRI नहीं लिखना है, SHREE ही लिखना है, यानी कि एज पर GST सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही हमें डाटा यहाँ पर डालना होता है। अगर SHRI है तो बिल्कुल सही है, स्पेलिंग समय बिल्कुल ओके रखनी है, क्योंकि ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना ये अकाउंटेंट को विशेषकर ध्यान में रखनी होती है। एंटर प्रेस करेंगे तो उसके बाद के अंदर जो हमारा एड्रेस यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है वो एड्रेस भी हमें वही डालना है जिस एड्रेस पर हमारा GST का रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो GST रजिस्ट्रेशन को देख के भी हम डाल सकते हैं। अगर आपके पास मैनुअल बिल बुक है तो बिल बुक के ऊपर आपका जब प्रॉपर एड्रेस लिखा हुआ है तो आप बिल बुक को देख के भी यहाँ पर मेंटेन कर सकते हो। तो जैसा कि हम डाल देते हैं फॉर एग्जांपल, जैसा कि हमारा शॉप नंबर हमने डाल दिया 100। अब उसके बाद में जैसा कि हमने एक कोई नियर लोकेशन देनी है, जैसा कि हमारा नियर बस स्टैंड है या नियर कोई भी मंदिर गुरुद्वारा कुछ भी हो सकते हैं, तो वो आप लैंडमार्क यहाँ पर हम दे सकते हैं। अब मान लीजिए शॉप नंबर हमें लिखना है नियर मेन बस स्टैंड, तो हम इंटर प्रेस करके नीचे की लाइन में लिखेंगे, इसके आगे नहीं लिखेंगे, मैं नियर मेन बस स्टैंड। अब उसके बाद में आपका सिटी का नाम लिखना है तो आप सिटी का नाम भी यहाँ पर नीचे ही लिखेंगे, जैसे मैंने लिख दिया रायसिंह नगर, और जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट हम यहाँ पे लिखेंगे श्री गंगानगर। और उसके बाद हमें स्टेट यहाँ पर नहीं लिखना, क्यों नहीं लिखना, क्योंकि स्टेट लिखने के लिए ऑप्शन है जो नीचे कॉलम में दिया हुआ है, तो स्टेट हमें यहाँ से सेलेक्ट करना है। मान लीजिए आपका एड्रेस पूरा कंप्लीट हो चुका है तो इंटर प्रेस करेंगे तो हम स्टेट पर आ जाएंगे, स्टेट यहाँ से सेलेक्ट करेंगे राजस्थान। तो अब ये एड्रेस हमने क्यों लिखा है, क्योंकि ये एड्रेस हमें इसलिए लिखना जरूरी होता है क्योंकि जब हम हमारी कंपनी के अंदर हमने सेल वाउचर की एंट्री करनी स्टार्ट कर देंगे, कस्टमर को जब हम इनवॉइस देंगे तो ये जो सारी डिटेल्स हम यहाँ पर जो फिलअप कर रहे हैं वो सारा का सारा हमारा उस इनवॉइस के ऊपर प्रिंट होके जाता है, क्योंकि इसी से क्या होता है एक अकाउंटेंट के लोगों का एक लेवल का पता चलता है भी ये जो अकाउंटेंट लोग हैं ये कितने प्रोफेशनल लोग होते हैं। अगर मान लीजिए अगर काम तो कंपनी में क्रिएट तो आपके ऑलरेडी आपने नाम लिख दिया तो भी आपका डाटा मेंटेन हो जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है, अभी एड्रेस लिखना जरूरी है, लेकिन एड्रेस जितना मैक्सिमम हम हमारी तरफ से जो दे सकते हैं एड्रेस से संबंधित हमारी कॉन्टैक्ट से संबंधित डिटेल जितनी हमें दे सकते हैं उतनी हमें देनी चाहिए, क्योंकि सारी रिपोर्टिंग आपके इनवॉइस के ऊपर प्रिंट होके जाती है तो सामने वाले को एक प्रोफेशनल की तरीके से आपकी अकाउंटिंग दिखती है। तो उसके बाद में ये पिन कोड 3350 जो हमारा पोस्टल रहता है वो हम डालेंगे यहाँ पे। उसके बाद में आपका जो मोबाइल नंबर है आप जो यूज़ करते हो वो हम यहाँ पे मोबाइल नंबर हम डाल देंगे। उसके बाद फैक्स और ईमेल एड्रेस वगैरह, अब ये सारी बातें छोटी छोटी बातें हमें डालनी जरूरी होती है। कई बार हम सोच लेते हैं ईमेल एड्रेस तो है यार इसको छोड़ो कौन ईमेल करेगा, लेकिन ईमेल आज नहीं तो आगे आने वाले टाइम में आपको ईमेल्स के थ्रू ही सारा इनवॉइस है, चाहे आप किसी को सेंड करोगे तो भी आपकी इनवॉइस होनी चाहिए। अब मान लीजिए आपने कस्टमर पे जो आपका सेल इनवॉइस होगा तो उसके ऊपर भी ईमेल एड्रेस आपका जो प्रिंट होके जाएगा, तो कल को कुछ भी डिटेल्स अगर आपको कस्टमर से चाहिए चेक की डिटेल या कुछ भी स्टेटमेंट चाहिए तो आप ईमेल के थ्रू मंगा सकते हो। तो इसलिए सारा डाटा हमें यहाँ पर देना चाहिए जैसा कि हमने यहाँ पर डाल दिया फॉर एग्जाम्पल। और इसी तरीके से आपकी कंपनी का अगर कोई वेबसाइट है तो आप वेबसाइट भी www. जो भी आपकी वेबसाइट आप यूज़ करते हो वो आप यहाँ पर डाल सकते हो। और उसके बाद में जो आपका फाइनेंस ईयर है आप कौन से फाइनेंस ईयर की वर्किंग कर रहे हो तो वो आपको देखना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर फाइनेंस ईयर है जो तय करना है। तो दोस्तों वैसे फाइनेंस ईयर की कौन सा होता है किस तरीके से डालना होता है और टेली सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो ऑप्शन होते हैं उनके सारे वीडियो मैंने हमारी जो YouTube चैनल है स्मार्ट अकाउंटिंग RSNR का, अगर आप टोटल डिटेल देखना चाहते हो टेली सॉफ्टवेयर से रिलेटेड टेली प्राइम या फिर टेली ERP 9 तो आपको हमारे इस YouTube चैनल पे विजिट आपको करनी होगी स्मार्ट अकाउंटिंग RSNR पे, और आप यहां से प्लेलिस्ट ओपन कर सकते हो। और जैसे आप प्लेलिस्ट ओपन करोगे तो आपको यहां पर टेली प्राइम से रिलेटेड 194 वीडियो यहां पर मिल जाएंगे, और इसी तरीके से आपको BG अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के भी वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगे, मार्ग सॉफ्टवेयर से रिलेटेड भी मिल जाएंगे, फैक्टेक्स से संबंधित भी मिल जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से रिलेटेड भी आपको मिल जाएंगे। और इसी तरीके से अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हो तो हमारे RSCIT या फिर CCC से जो कंपटीशन एग्जाम में कंप्यूटर संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके भी आपके प्लेलिस्ट में हमारे
वीडियो जो मिल जाएंगे। काफ़ी सारे वीडियो हमारे इस चैनल पर अपलोड हैं, चाहे वो TDS है, GST सबसे रिलेटेड आपको मिल जाएंगे। लेकिन आज की इस वीडियो को माने हमारा बनाने का जो हमारा मकसद है वो यही है भी हम आपको उन लोगों के लिए थोड़ा सा एक मोटिवेशन हम देना चाहते हैं भी जो लोग डरते हैं भी कंप्यूटर पर सिस्टम हमारे से काम नहीं हो पाएगा, तो वो आपको मैं तरीका बता रहा हूँ भी हम सिक्वेंस वाइज सीरीज वाइज किस तरीके से स्टेप टू स्टेप हमें चलना होता है। कई बार हम जो काम पहले करना था उसको हम बाद में करते हैं, जो बाद में करना था उसको हम पहले कर देते हैं, जिसकी वजह से सारा काम है जो बिगड़ जाता है। तो इस तरीके से हम फाइनेंशियल ईयर भी हम चेंज करेंगे। और बुक बिगनिंग फ्रॉम का मतलब होता है भी आपके बिजनेस स्टार्ट करने की डेट क्या है। अगर आपका बिजनेस स्टार्ट करने की जो डेट है अगर वो आपके फाइनेंशियल ईयर डेट की बाद की है तो हम यहाँ पर बाद की डेट देंगे, अदरवाइज जो आपने फाइनेंशियल ईयर जो यहाँ पर जो सिलेक्ट किया है उसी को यहाँ पर रहने दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बात आती है सिक्योरिटी की। भी सिक्योरिटी का मतलब भी आप अपने इस कंपनी के ऊपर कोई पासवर्ड प्रोटेक्ट करना चाहते हो क्या, यानी कि आपके अलावा इस कंपनी को कोई दूसरा आदमी ना देख सके। जैसा कि हम हमारे मोबाइल पे पैटर्न लॉक, स्क्रीन लॉक या फिर पिन कोड लगा देते हैं, उसी तरीके से हम टेली सॉफ्टवेयर पर भी इसको यूज कर सकते हैं। अगर हम लगाना चाहें तो इसको यस करेंगे, जैसे लगाएंगे तो ये टेली वैलेट का पासवर्ड पूछेगा, जैसा कि मैंने यहाँ पर लगा दिया 1 2 3 फॉर एग्जाम्पल। उसके बाद कन्फर्म के लिए पूछ रहा है 1 2 3। और उसके बाद में आप कंट्रोल यूज़र का एक्सेस पासवर्ड और देना चाहते हो डबल सिक्योरिटी, तो इसको भी आप यस कर सकते हो। उसके बाद यूज़र नेम क्या रखना चाहते हो, तो आप यूज़र नेम अपने अकॉर्डिंग रखें ताकि आपको याद रहे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम यूज़र नेम डाल तो देते हैं लेकिन बाद में भूल जाते हैं, तो आप जो याद रख सकते हो वही आपको रखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं 1 दे रहा हूँ, पासवर्ड 1 और कन्फर्म पासवर्ड 1। और उसके बाद में आपके जो इनेबल टेली ऑडिट्स के फीचर्स हैं आप इनको यस कर सकते हो, ताकि हमारी जब ऑडिट रिपोर्ट्स हम तैयार करते हैं तो वो सारी डिटेल हो जाती है। तो डिसअलाउ ओपनिंग इन एजुकेशनल मोड हमें नहीं रखना, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी पेड वर्जन है। और उसके बाद में ये जो बेस करेंसी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड कुछ यहाँ पर डिटेल दी होती है टेली सॉफ्टवेयर के एंड में, कंपनी क्रिएट जब हम करते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग करी होती है, इसमें हमें कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन फिर भी अगर आप इन ऑप्शंस के बारे में समझना चाहते हो इन डिटेल के बारे में, तो आप हमारी जो टेली प्राइम सॉफ्टवेयर की जो प्लेलिस्ट अभी हमने आपको जो बताई थी उसके अंदर ये सारे वीडियो आपको यहाँ पर अवेलेबल है, सब वीडियो मिल जाएंगे। तो यहाँ से भी आप देख सकते हो बेस करेंसी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड जो ऑप्शन आते हैं उनका मतलब क्या होता है, क्योंकि ये सारी डिटेल अगर हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे तो ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। लेकिन इस वीडियो में हमारा जो मकसद है केवल उन अकाउंटेंट भाई लोगों के मन में थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस पैदा हमें करना है, ताकि वो कंप्यूटर पे काम करते वक्त झिझके ना, वो इंटरप्रेस करते हुए हम इसको यहाँ से एक्सेप्ट करेंगे। तो लास्ट में आपसे ये पूछे जब आपके सारे फीचर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो ये विंडो आपके सामने पूछेगा आपको लास्ट में एक्सेप्ट, यानी कि आपको इसको सेव करना है या नहीं करना। तो हमें सेव तो बिल्कुल करना है, तो हम इंटरप्रेस कर देंगे। तो अब देखो जैसे हमने इंटरप्रेस किया तो इसने टेली वैलिड पासवर्ड पूछ लिया, पासवर्ड हमने लगाया था 1 2 3 का। और उसके बाद में फिर इसने जो डबल सिक्योरिटी का पासवर्ड हमने यूज़र कंट्रोल किया था वो यूज़र नेम और पासवर्ड फिर यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो जैसे ही हमने टेली कंपनी में कंपनी क्रिएट कर ली तो उसके बाद में ये विंडो हमारे सामने ओपन होगी, कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली और इनेबल दी फीचर्स एज पर योर बिजनेस नीड्स, यानी कि आप अपनी बिजनेस के नीड के अकॉर्डिंग अपने बिजनेस की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप अकाउंटिंग से संबंधित, इन्वेंट्री से संबंधित या फिर ये टैक्सेशन से संबंधित सब कुछ अपना डाटा जो सेट कर सकते हो। अब मान लीजिए ये कई बार ऐसा होता भी जैसे हमने कंपनी क्रिएट की लेकिन हमारे से गलती से एस्केप हो गया और ये विंडो गायब हो गई, तो अब हमें पता चलना है कि वो उस विंडो को हम वापस कहाँ से इनेबल करेंगे। तो दोस्तों जैसे हम अब कंपनी को टेली सॉफ्टवेयर को हम बंद करेंगे और उसके बाद जैसे हम कंपनी को ओपन करेंगे तो ये कंपनी हमारे सामने ओपन हो जाएगी। अब जैसे आप देख रहे हो कंपनी का नाम अभी स्टार स्टार के रूप में हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने कंपनी पे टेली वैलेट का पासवर्ड दिया था, इसका मतलब वो हिडन हो गया। आपकी कंपनी का नाम अब आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देगा लेकिन कोड आपको जरूर दिखाई देगा और साथ में इसके फाइनेंशियल ईयर है वो भी आपको नहीं दिखाई देगा। लेकिन जब भी आप इस पर इंटरप्रेस करोगे तो अभी तो जैसा हमारी कंपनी ऑलरेडी थी, जैसे हम इसको लॉग आउट करके बंद करेंगे दोबारा ऑन करेंगे तो ये आपसे टेली वैलेट का पासवर्ड भी पूछेगा और यूज़र नेम भी पूछेगा। तो उसके बाद में ये हमारी जो कंपनी का जो करंट पीरियड है वो यहाँ से पता चलेगा, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 तक का है। और उसके बाद नेम ऑफ कंपनी में श्री बालाजी ट्रेडर्स हमारी कंपनी है और नो वाउचर इंटर्ड का मतलब अभी तक हमने किसी भी टाइप की कोई वाउचर की एंट्री नहीं करी है। तो अभी तक तो था हमारा कंपनी में टेली सॉफ्टवेयर में कंपनी क्रिएट करने का प्रोसेस,
और उसके बाद में जस्ट कंपनी क्रिएट करने के बाद में हमारा जो टैक्स कंप्लायंस से जो डिटेल होती है उसकी सेटिंग हमें करनी होती है। वो हमें कहाँ से मिलेगी, इसके लिए हम चाहे तो शॉर्टकट की बटन F11 यानी कि F11 का बटन हम यूज़ कर सकते हैं, या इसके अलावा हम कंपनी पर जाएंगे और यहाँ से आपको फीचर्स का एक ऑप्शन दिखाई देगा। अब इस पे ऑप्शन पे जाके आप शॉर्टकट देख रहे हो, F11 इसका शॉर्टकट लिखा हुआ है, नहीं तो आप इस पे फीचर्स पर हम क्लिक करेंगे तो वो विंडो भी हमारे सामने आ जाएगी जो हमारी कंपनी क्रिएट करने के जस्ट बाद ऑटोमेटिक ही आ गई थी। तब उसके बाद में हमारा सबसे पहले जो टैक्सेशन से संबंधित, क्योंकि सबसे पहले आपको अकाउंटिंग से और इन्वेंट्री से संबंधित आपको डिटेल यहाँ से पूछी जाएगी, लेकिन ये हमारी बाद की बातें हैं, उससे पहले हमें GST TDS या TCS जो भी हमारी इस कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होती है उसकी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग हमें करनी है। तो सबसे पहले हम जाएंगे टैक्सेशन पे, टैक्सेशन में सेलेक्ट करेंगे GST का, एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद में GST से डिटेल से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन हमें हमारी कंपनी के अकॉर्डिंग देनी है वो हमें GST डिटेल में सबमिट करनी होती है। अब सबसे पहले जो GST से जो रजिस्ट्रेशन की जो डिटेल है वो हमें डालनी है, जो स्टेट है हमारा वो राजस्थान आ गया। अब राजस्थान ऑटोमेटिक क्यों चूज किया टेली सॉफ्टवेयर ने, क्योंकि जब हमने कंपनी क्रिएट करी थी तो कंपनी क्रिएट करने के दौरान हमने स्टेट राजस्थान को सिलेक्ट किया था, तो उसी को अकॉर्डिंग देखते हुए इसने यहाँ पर राजस्थान सेलेक्ट है ऑलरेडी कर दिया। और उसके बाद में जो रजिस्ट्रेशन टाइप है, जो आपकी कंपनी है वो रेगुलर मोड में वर्क करती है या फिर कंपोजिशन वर्क करती है, तो आप अपनी कंपनी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो रेगुलर या फिर कंपोजिशन। अब ये रेगुलर और कंपोजिशन क्या होता है इसके बारे में भी आपको हमारे टेली प्राइम सॉफ्टवेयर की प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा। देन उसके बाद में GST एप्लीकेबल कब से स्टार्ट हुआ है आपकी कंपनी के लिए, तो आप जो फाइनेंशियल ईयर है उसी को आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद में GST नंबर, यानी कि GST नंबर जो हमारी कंपनी है खुद की श्री बालाजी ट्रेडर्स वाली, उस कंपनी का जो GST नंबर है वो हमें यहाँ पर डालना होता है। उसके बाद के अंदर जो हमारी GSTR1 जो रिटर्न हम फाइल करते हैं वो हमारा दो मोड में हम टाइप इसको रिटर्न फाइल करते हैं, मंथली बेसिस पे या क्वार्टरली बेसिस पे। तो अब आपको देखना है भी आपकी कंपनी है जो मंथली बेसिस पे फाइल करती है GSTR1 या फिर क्वार्टरली, तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसी तरीके से सारी हमारी ई-वे बिल की जो सेटिंग है, हमारी जो लिमिट्स है यहाँ पर कितनी है, 1 लाख रुपये की रखनी है, इंट्रास्टेट की वैल्यू क्या है, इंट्रास्टेट की वैल्यू क्या है, आपकी जो कंपनी है वो ई इनवॉइस जनरेट करती है या नहीं करती, सारी डिटेल हम इस GST से संबंधित इस GST डिटेल में रख सकते हैं। उसके बाद में TDS से संबंधित, इसको हम यस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो हमारी कंपनी का जो 10 नंबर है और 10 नंबर हमें यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद में जो डिडक्टर टाइप, यानी कि जो श्री बालाजी ट्रेडर्स हमने कंपनी क्रिएट करी है वो एक कंपनी है या फिर इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल या एचयूएफ। उसके बाद में यहाँ पर जो डिडक्टर की ब्रांच या फिर डिवीजन वो हमें यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। उसके बाद में जो इसका रिस्पॉन्सिबल पर्सन की जो डिटेल्स है वो हमें यहाँ पर देनी पड़ेगी, इसको यस करेंगे तो यहाँ पर पर्सन रिस्पॉन्सिबल की डिटेल हमें देनी पड़ेगी, यानी कि जो TDS है या फिर TCS की डिपार्टमेंट को कौन हैंडल कर रहा है, उसका नाम, फादर्स नेम, उसका डेजिग्नेशन, उस कंपनी में पद क्या है, उसका पैन नंबर क्या है, सारी डिटेल हमें यहाँ पर देनी होती है, क्योंकि ये जो डिटेल्स है ये हमारा ऑल दी अबव डिटेल विल बी यूज इन चलान फॉर्म्स रिटर्न, क्योंकि सब के अंदर ये सारी डिटेल जाती है। इसी तरीके से हम हमारी जो TCS की डिटेल है, TCS डिटेल को भी हम कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग यहाँ से इस तरीके से कर सकते हैं। तो यानी कि टैक्सेशन की डिटेल हमें जस्ट कंपनी करने के बाद करनी चाहिए, और उसके बाद में हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। और उसके बाद टैक्सेशन की डिटेल के बाद हमारी वाउचर नंबर कॉन्फ़िगरेशन, तो वाउचर नंबर कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या हो गया भी, जब भी हम टेली सॉफ्टवेयर में हमारे कस्टमर को इनवॉइस देंगे, अब इनवॉइस देंगे तो जाहिर सी बात है उस इनवॉइस के ऊपर इनवॉइस का नंबर भी लगा होगा, तो अब जो यहाँ पर जो इनवॉइस का हमारा नंबर होगा उस नंबर, अब कंपनी जब हम वर्किंग कर रहे हैं टेली सॉफ्टवेयर में तो अब तीन तरीके से वर्किंग करते हैं। एक ऐसी वर्किंग, हालांकि हमारा मैनुअल अकाउंट साथ के साथ मेंटेन हो रहा है और हमने बीच में साल के बीच के अंदर हमने कंप्यूटर पर वर्क करना स्टार्ट कर दिया, तो हम चाहते हैं कि जो हमारी मैनुअल बिल बुक की जो सेल बिल बुक की जो सीरीज है, यानी कि उस बिल बुक का जो नंबर है, वो बिल बुक का नंबर भी हमारा इस सेल वाउचर के अंदर साथ में प्रिंट होके आए। दूसरा, मान लीजिए आज ही आपने कंपनी स्टार्ट करी है और आज ही अपना बिजनेस ही आज ही स्टार्ट किया और आपने पहले दिन से ही कंप्यूटर स्टार्ट कर दिया,
तो आपको क्या होता है कि आप चाहते हो भी ये हमारा जो सेल वाउचर नंबर है एक स्पेशल यूनिक कोड के साथ स्टार्ट हो। यूनिक कोड का मतलब जैसा कि आपने कई बार इनवॉइस में देखा होगा कि जैसा कि हमारी कंपनी है श्री बालाजी ट्रेडर्स, तो आप देखा होगी SBT उसके बाद में स्लैश 2021/22/0001 या 001 या ओनली वन, इस तरीके से हम इसको एक सीरीज के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी हम सेट कर सकते हैं हमारे टेली सॉफ्टवेयर में। इसकी सेटिंग किस तरीके से होगी ये भी आपको हमारे इस टेली सॉफ्टवेयर की जो हमारी प्लेलिस्ट है टेली प्राइम की उसमें मिल जाएगा। और उसके बाद में जो हमारी बात आती है लेज़र क्रिएशन की, तो हमें लेज़र किस तरीके से क्रिएट करना होता है, तो लेज़र क्रिएट करने के लिए हम जैसे टेली कंपनी को ओपन करते हैं तो ये फर्स्ट फेज हमारे सामने ओपन होता है जिसे हम बोलते हैं गेटवे ऑफ टेली। और गेटवे ऑफ टेली के अंदर मास्टर्स के फीचर्स के अंदर हमारे पास ऑप्शन आता है क्रिएट का, तो जैसे हम क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद चाहे हम स्टॉक आइटम क्रिएट करनी हो, चाहे स्टॉक आइटम का ग्रुप क्रिएट करना हो, चाहे स्टॉक आइटम की यूनिट क्रिएट करनी हो या फिर लेज़र क्रिएट करना हो, सारे आपको यही ऑप्शन मिल जाएंगे। इसके अंदर आप देख रहे हो तो स्टार्टिंग में आपको अकाउंटिंग मास्टर के अंदर आप लेज़र क्रिएट कर सकते हो, ग्रुप क्रिएट कर सकते हो, वाउचर टाइप क्रिएट कर सकते हो, लेकिन अभी हमें ग्रुप नहीं क्रिएट करना, केवल लेज़र ही क्रिएट करना है। तो इसके लिए हम लेज़र पर जाएंगे और लेज़र पे जाने के बाद हमें उन सभी लेज़र का नाम हम देंगे जो लेज़र हमारी कंपनी में हम यूज़ करते हैं, चाहे वो हमारा कस्टमर का हो, चाहे हमारे सप्लायर्स का हो, चाहे वो बैंक का हो, चाहे हमारे सैलरी एम्प्लॉय का हो, चाहे वो किसी खर्चे का हो, चाहे वो किसी इनकम का हो, तो प्रॉपर हमें उस नाम के साथ लेज़र क्रिएट करेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख दिया राम सिंह, अगर आपका ये कस्टमर है तो राम सिंह सनो प्रॉपर आपको यहाँ पर एड्रेस लिखना है, नाम आपको लिखना है। देन उसके बाद में आपको इसका ग्रुप का सिलेक्शन करना है। मान लीजिए आपका जो कस्टमर है उसको हम रखते हैं सैंडी डेप्टर्स में, तो ये ग्रुप सिलेक्शन क्या होता है इसका वीडियो भी आपको इस हमारे टेली प्राइम सॉफ्टवेयर की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। उसके बाद में आप इस कस्टमर के ऊपर TDS है या फिर TCS एप्लीकेबल होता है या नहीं होता वो आपको अपनी कंपनी के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। उसके बाद में प्रॉपर इसका एड्रेस हमें यहाँ पर देना होता है, गांव का नाम, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, सब कुछ। उसके बाद में स्टेट, अगर वो एक रजिस्टर्ड डीलर है तो उसका GST नंबर, अगर वो कस्टमर है तो हमें अनरजिस्टर्ड रखना पड़ेगा। तो उसी तरीके से हमें सारी डिटेल्स यहाँ पर मेंटेन करनी होती है, क्योंकि सारी डिटेल जैसे हम राम सिंह को मान लीजिए हमारा कस्टमर है इसको हम सेल इनवॉइस इशू करेंगे, तो जो एड्रेस हमने यहाँ पर इशू किया है, इसका GST नंबर हमने यहाँ पे लिखा है, इसका पैन नंबर हमने यहाँ पर लिख दिया, तो सारी की सारी डिटेल हमारी इनवॉइस के ऊपर प्रिंट होएगी। तो ये हमारी एक प्रोफेशनल अकाउंटिंग को दिखाता है भी हमारा लेवल कहाँ तक का है। तो इस तरीके से हम इस लेज़र को एक्सेप्ट करके सेव कर लेंगे। इसी तरीके से हम स्टॉक आइटम को भी क्रिएट करेंगे। अब स्टॉक आइटम को क्रिएट करने का तरीका भी आपको हमारे टेली प्राइम सॉफ्टवेयर की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हो। तो सारी डिटेल आपको इस सिक्वेंस वाइज करनी होती है। उसके बाद में स्टॉक आइटम देख लिया, उसके बाद में वाउचर एंट्री हमें किस तरीके से करनी है, जैसा कि हमारे पास परचेज़ का इनवॉइस हमारे पास आया उसकी एंट्री हम किस तरीके से करेंगे, तो आपको गेटवे ऑफ टेली पे जाना है, देन वाउचर पे आपको जाना है। उसके बाद मान लीजिए आपको परचेज़ वाउचर की एंट्री करनी है तो यहाँ से शॉर्टकट सभी ऑप्शन दिए होते हैं। अब जैसा कि यहाँ पे परचेज़ लिखा हुआ भी है और इसके साथ में इसका जो शॉर्टकट की है कीबोर्ड से वो भी दी होती है, जैसे कि F9 या फिर परचेज़। अगर आप माउस से परचेज़ पर क्लिक करोगे तो हमारे सामने ये परचेज वाउचर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आप सेल वाउचर की एंट्री करोगे तो सेल पे क्लिक करोगे तो सेल आ जाएगा। अगर आप शॉर्टकट यूज़ करोगे तो परचेज़ के लिए इसके सामने लिखा हुआ है F9, तो हम F9 का बटन यूज़ करेंगे कीबोर्ड से तो भी हम परचेज वाउचर पर आ जाएंगे। तो इस तरीके से सब कुछ हर एक ऑप्शन के आगे उसका शॉर्टकट है जो दिया होता है। तो इस तरीके से हमें सेल वाउचर, परचेज वाउचर, एंट्री पास किस तरीके से करनी है उसका भी रिकॉर्ड आपको हमारे टेली प्राइम सॉफ्टवेयर की प्लेलिस्ट में सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि हमने लगभग टेली प्राइम के ऑलमोस्ट जो भी फीचर्स होते हैं, जो सबसे पॉपुलर, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा जो यूज होते हैं, सबके वीडियो हमने प्लेलिस्ट में दे दिए हैं। तो आप सर्च करके भी वहाँ से जा सकते हो और आप इसको सिक्वेंस वाइज भी धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस है जो कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप कि आज की इस वीडियो से ज़रूर आपको कुछ कॉन्फिडेंस मिला होगा, ज़रूर कुछ नॉलेज मिला होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक देके जरूर जाना, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।